एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। गुजर रहा आंदोलन पांचवा दिन, अब तक क्या क्या हुआ, कितनी गाड़ियां प्रभावित, कहां है रास्ते जाम, कहां है बैसला का स्टैंड, जाने सब कुछ। राजस्थान में चल रहे गुजर रहा आरक्षण पर अब सियासत भी तेज हो रही है। गुजर रहा आंदोलन के चलते चौथे दिन यानी सोमवार को भी कई जगह आंदोलन का असर देखने को मिला। दिल्ली मुंबई रेल रूट विविध रहा, जिसके चलते करीब 100 ट्रेनें प्रभावित हुई। बैसला की अपील, वही कर्नल करोड़ी सिंह बैसला मीडिया से मुलाकात मुखबित हुए, जिसके चलते बैसला ने अपने समाज के विधायकों को गुजर रहा आंदोलन के विधानसभा में आवाज उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि समाज के जो भी विधायक वे सदन में सरकार के सामने उनका पक्ष रखे, नहीं तो उनके समर्थन में मलारना डूंगर में धरना दे। 24 घंटे का अल्टीमेटम, वही पटोला ने पंचायत में सर्व समिति की ओर से राजस्थान सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिसके चलते मुख्यमंत्री के नाम उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांगी पूरी नहीं होने पर आंदोलन की ओर उग्र बनाने की चेतावनी दी गई। कटारिया का बयान, आंदोलन के चौथे दिन प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया का बयान भी सामने आया, जिसमें कटारिया ने कहा कि सरकार इस समस्या का समाधान चाहती है तो विधानसभा सत्र के दौरान ही गुजर सहित 5 जातियों को आरक्षण का बिल लेकर आए और उसे पास कराए, ताकि उसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाए। कटारिया के अनुसार भाजपा सरकार इस मामले में सहयोग करेगी। साथ ही गुजरों ने धौलपुर नौनवा अजमेर हाईवे को जाम किया। इसके अलावा सिकंदराबाद और आगरा हाईवे को भी जाम करने की चेतावनी दी। सरकार ने गुजर रहा आंदोलन के मद्देनजर 15 लोगों की कमेटी बनाई है। इसके पहले गुजर रहा आंदोलन की शुरुआत में सुबह के सीएम का भी बयान आया था। उन्होंने कहा कि गुजर रहा की जो मांगे हैं उनका ताल्लुक केंद्र सरकार से है। गुजर रहा आंदोलन के चौथे दिन 21 ट्रेनें रद्द की गई, 26 को परावर्तित मार्ग से चलाया गया। रविवार को धौलपुर में हिंसा की खबर सामने आई, जहां पुलिस के वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके चलते कम से कम 20 ट्रेनें रद्द कर दी गई और 7 अन्य के मार्ग परिवर्तन कर दिया गया। इससे पहले गुजर आंदोलन की शुरुआत में अशोक गहलोत ने कहा था कि गुजरों की जो मांगे हैं उनका ताल्लुक केंद्र सरकार से है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, वैसे वैसे गुजर आंदोलन तेज हो रहा है। तो एमएनएस लाइव की खबर देखने के लिए आज ही अपने मोबाइल से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।